RS Public School, Bharat Sagar, Gazipur. I am going to teach you about science, and our topic is getting to know about plants. Clear? So, my dear lovely students, if plants can grow on everywhere, ये पौधे जो है कहीं पर भी उग सकते हैं, इन माउंटेन रीजन, डिजर्ट रीजन, इन वाटर, ऑन प्लेन्स एटसेट्रा, ये सारी जगहों पर ये पौधे आ सकते हैं, उग सकते हैं। हम इन पौधों के बारे में ऐसे ही तो पढ़ नहीं पाएंगे, इनको पढ़ने के लिए हमें क्लासिफाइड करना पड़ेगा, इनको जो है कि अलग अलग करना पड़ेगा, तभी हम इनका स्टडी जो है कर पाएंगे। तो मेरे बच्चों, सबसे पहले वी क्लासिफाई ऑल द प्लांट्स इन टू पार्ट्स, फर्स्ट फ्लावरिंग एंड सेकेंड नॉन फ्लावरिंग। एक वैसे पौधे जिनमें फूल आते हैं और एक वैसे पौधे जिनमें फूल नहीं आते हैं। तो जिन पौधों में फूल आते हैं बच्चों, जैसे कि आम, देखे ही होंगे आपको फ्लावर आते हैं, कद्दू, नीम, ये कुछ पौधे हैं जिनमें कि फ्लावर्स आते हैं, लेकिन फल, मांस, ये ऐसे पौधे हैं जिनमें फ्लावर्स नहीं आते हैं। दे कैन नॉट प्रोसेस फ्लावर, सो दीज प्लांट्स आर नॉन एज नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। क्लियर? तो लेट अस नो अबाउट देयर शेप, साइज एंड हाइट। ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप, साइज एंड हाइट वी कैन क्लासिफाई। तो सबसे फर्स्ट में हम देखेंगे हर्ब्स। हर्ब्स, ये हर्ब्स क्या है बच्चे? तो दे आफ्टर ऑल लेस देन 1 मीटर, ये 1 मीटर से भी बहुत कम ऊंचाई वाले पौधे होते हैं, और इनकी स्टेम जो होती है ना, their stem is very weak, delicate, बहुत कमजोर इनका जो है कि स्टेम यानी कि तना होता है। जैसे व्हीट, पैडी एटसेट्रा, दीज आर हर्ब्स। अब अगर हम देखते हैं बच्चों, तो ये हमारी रूट्स हो जाती है, ये हमारा स्टेम्स, ये ब्रांचेज या जो भी लीव्स, फ्लावर, फ्रूट वगैरह, ये तो ये प्लांट्स जिसे हम इसके रूट बोलते हैं, ये पार्ट को हम स्टेम बोलते हैं, इस पार्ट को हम लीव्स के, लीफ के नाम से जानते हैं, ये पार्ट जो है इसे हम फ्लावर के नाम, सॉरी फ्रूट, इसे हम फ्रूट के नाम से जानते हैं, और इस पार्ट को हम फ्लावर के नाम से जानते हैं। आप देख रहे हैं, मोस्टली देयर आर 5 पार्ट्स ऑफ ए प्लांट। एक पौधे के जो है कि 5 पार्ट होते हैं, देख ही रहे हैं, रूट, स्टेम, लीफ, फ्रूट एंड फ्लावर। ये चारों जो हैं, हम इन चारों को सूट के भी नाम से जानते हैं। क्लियर? चलो, तो ये हर्ब्स ऐसे पौधे हैं जिनकी स्टेम बहुत नाजुक, डेलिकेट होती है, नरम होती है, जैसे कि व्हीट और पैडी। इनकी हाइट जो है बच्चों, 1 मीटर से कम होती है। दूसरी बात आते हैं हम लोग श्रब्स की। श्रब्स, श्रब्स क्या होते हैं? तो ये मीडियम साइज के प्लांट्स हैं। श्रब्स आर ऑफ मीडियम साइज प्लांट्स। सम श्रब्स हैव थोर्न, कुछ श्रब्स में जो है कांटे भी पाए जाते हैं,
देयर ब्रांचेज आर हार्ड, इनकी जो ब्रांचेज जो होती हैं हार्ड होती हैं बट वेरी थिन, पतली पतली इनकी ब्रांचेज होती है, इनकी ब्रांचेज पतली होती हैं लेकिन हार्ड होती हैं। जैसे बच्चों लेमन, लेमन आप लोग देख ही रहे हैं, देखे ही हैं लेमन, रोज, ये गुलाब इत्यादि, ये पौधे जो है श्रब्स में आते हैं। तीसरी बात हम लोग देखते हैं ट्रीज, ये ट्रीज क्या है, तो ट्रीज में बच्चों ये रूट हो जाती है, तो ये बहुत बड़ा सा, ये मोटा सा जो है कि ये स्टेम जिसे हम ट्रंक के नाम से जानते हैं। ट्रीज में जो है कि एक मोटा सा ट्रंक होता है, स्टेम होता है, एंड अपर पार्ट ऑफ ट्रंक देर आर सो मेनी ब्रांचेज आर अराइजेस इन अ ट्री। इस ट्री में जो है कि बहुत काफी ब्रांचेज आ सकती है और इन ब्रांचेज पर जो है कि बहुत काफी जो है कि ये पत्तियां भी हो सकती हैं। तो ये है हमारा ट्री, इनकी जो है हाइट मोर देन 3 मीटर, मोर देन 3 मीटर यानी 3 मीटर से भी जो है इनकी ऊंचाई जो है लंबी होती है। जैसे में हम लोग लेंगे एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या हो सकता है पेड़ों का जो है, मैंगो ट्री, मैंगो ट्री, क्लियर बात है, नीम ट्री एटसेट्रा, नीम ट्री एटसेट्रा, क्लियर हो गई ये बातें। हमने जाना बच्चों हर्ब्स के बारे में जो 1 मीटर से कम होते हैं। श्रब्स जो होते हैं ये मीडियम साइज के प्लांट्स होते हैं, इनकी ब्रांचेस थीन पतली होती हैं एंड हार्ड होती है, इनमें जो है कि कांटे भी आ जाते हैं, देज आर नॉन एज श्रब्स। ट्री जो है कि इनकी ऊंचाई जो है मोर देन 3 मीटर एंड हैविंग अ थिक ट्रंक ऑन टॉप ऑफ ट्रंक देर आर सो मेनी ब्रांचेज आर अराइजेस फ्रॉम द टॉप ऑफ। क्लियर। इसके बाद से हम लोग देखते हैं क्रीपर के बारे में, ये कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिसे हम क्रीपर के नाम से जानते हैं। ये क्रीपर क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय क्रीपर, क्रीपर मींस रेंग कर यानी कि जमीन पे फैलने वाले पौधे जिनकी स्टेम एकदम डेलिकेट होती है, ये जमीन पे पौधे फैल जाते हैं और इनके फ्रूट जो है हैवी हैवी होते हैं जिसकी वजह से ये ऊपर नहीं चढ़ सकते हैं, दे कैन नॉट क्लाइम। तो ये कैसे पौधे हैं, तो वाटरमेलन, वाटरमेलन, पंपकिन को भी ले सकते हैं, पंपकिन को भी ले सकते हैं। क्यों वाटरमेलन इतने बड़े बड़े, पंपकिन कद्दू जो है कि भी इतने मोटे मोटे होते हैं, तो अगर हम सपोर्ट दे करके उन पर भी चढ़ाते हैं तो ये तुरंत नीचे आ जाए, क्योंकि इनके फ्रूट का वजन जो है बच्चों बहुत ज्यादा होता है जिसकी वजह से ये नीचे आ जाते हैं। दीज टाइप्स ऑफ प्लांट्स आर नोन एज क्रीपर, ये जमीन पे ये फैल जाते हैं ज्यादातर। क्लियर। अब आते हैं क्लाइंबर, क्लाइंबर ऐसे प्लांट हैं जिन्हें जो है कि हम सहारा देकर के ऊपर चढ़ा देते हैं, जैसे बिटरकॉट, ग्रेप्स एटसेट्रा, ये पौधे जिन्हें हम जो है सहारा देकर के अब ऊपर चढ़ाते हैं और ऊपर जाकर के ये अपना फल लेते हैं, तो ऐसे पौधों को क्लाइंबर के नाम से जानते हैं। तो ये रहा बच्चों हमारा आज का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7 का थोड़ा सा पार्ट, और बाकी हम पढ़ाएंगे आपको अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए।